start with the next topic. No, we are at page 19. Topic वही चल रहा है अभी बेटा, creativity चल रहा है, right? तो हम 19 page पर आ गए हैं. We were doing in the previous one. We were in the continuation of this creativity. Page number 19 on the top, right? Research literature suggests that children begin to develop their imagination during the early years of childhood. But they express creativity mostly through physical activities and in non-verbal ways. बच्चे बड़े छोटी एजेस में उनकी इमेजिनेशन इज वेरी हाई. इफ यू जस्ट लीव देम विद देयर इमेजिनेशन, एक्चुअली हम जो हमारा स्कूल सिस्टम है ना, उन्हें छोड़ता नहीं उनकी इमेजिनेशन से. हमें मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग. मैं अगर आपको बोलूँ, आप प्लीज मानिएगा, बिकॉज वी आर ऑनलाइन एंड वी आर नॉट इन पर्सन, सो यू मे नॉट डू दैट, बट यू डू इट. मेरे कहने पर आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आप एक ट्री बनाओ एक पेपर पे, एक ऐसे फटाफट से जो एक मिनट में पेड़ बन जाए. बनाइए, पेड़ बना लीजिए. प्लीज प्लीज डू दैट, है ना. पॉज द वीडियो एंड देन मेक इट. ट्रस्ट मी, इट्स एन एक्टिविटी विच इज एक्चुअली एन आई ओपनर. ओके, सो यू मस्ट हैव पॉज्ड एंड यू मस्ट हैव मेड इट. आई गारंटी 90% जो लोग हैं इंडिया में, मैं बाहर तो अभी ये टेस्ट नहीं किया, मैं अपने स्कूल में डीपीएस में आई यूज टू ट्राई, 90% लोग पता कौन सा पेड़ बनाते हैं. जब मुझे बोला जाए एक मिनट में बनाए, क्या आपका भी यही है? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम. आई डोंट नो, अगर आपने बहुत अच्छा कुछ नया बनाया है, आई रियली अप्रिशिएट. लेकिन मैंने अभी तक इस एक्टिविटी को कॉर्पोरेट में एज अ ट्रेनर भी यूज किया है, स्कूल्स में भी बहुत बार यूज किया है. मैंने जो पाया 90%, मैं बहुत हायर साइड ले रही हूँ, आप 80% ले लीजिए, लोग यही पेड़ बनाते हैं. क्यों बच्चे? क्योंकि जब हमें क्लासेस में, जब हम नर्सरी में पहुंचे थे स्कूल में, तो टीचर ने क्या बोला, टीचर ने बोला बच्चों चलो एक पेड़ बनाते हैं. अब उनको तो नहीं पता था पेड़ की इमेजिनेशन क्या है, तो बोला चलो बच्चों मैं बनाती जा रही हूँ, आप पीछे पीछे बनाओ. तो उसने टीचर ने ऐसा बनाया, बच्चों ने भी बनाया, फिर उन्होंने आगे बच्चों ने बनाया, फिर आगे बनाया, और ये पेड़ हमें मिलता गया लेगेसी में. किसी ने सोचने की दिया कि I remember long back when I was teaching in the school, I was given with junior class for a month. After that I was shifted to senior classes, so just for a month. So I took them to the ground and I asked them to draw a tree. Okay, you can observe the trees around and you can just make it. So a girl came and said, ma'am, can a tree look like a dolphin? So I said, why not? So you just make it. So we'll ask the gardener to cut the tree into that shape. That's so simple. So I never said, no, tree cannot be like that. You have to make a tree like this. Is it a rule? Let their creativity come out. और वो टाइम होता है जब उन्हें हमें क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए परमिशन देना चाहिए, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है. वी आर बाउंड टू टाइम, हमें फिनिश करना होता है सिलेबस, इसीलिए हम आपको परमिट ही नहीं कर पाते कि आप अपने आंसर्स क्रिएट करें. हम नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है. नहीं तो परमिशन क्या होना चाहिए? मैं मेरी क्रिएटिविटी हो, मैं आपको नए क्वेश्चन दूँ, और आपकी क्रिएटिविटी आप मुझे नए नए आंसर्स दो, तब मजा आए एजुकेशन का. वो हमारा सिस्टम ही नहीं है. दैट इज वाई वी आर स्टिकिंग टू द सिलेबस. सो इमेजिनेशन बच्चों की छोटी एज में बहुत हाई होती है, बशर्ते कि उन्हें परमिट किया जाए, मोटिवेट किया जाए. सो यहाँ पे बोला चाइल्डहुड में दे डेवलप, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते प्रॉपरली, बोल नहीं पाते, लैंग्वेज स्किल्स नहीं है ना, तो वो कैसे शो करते हैं? सो दे शो, दे एक्सप्रेस बाय फिजिकल एक्टिविटी, कुछ करके पेपर पे कटिंग लगा लगा के कुछ बना देंगे नया ना, वो जैसा भी हो, परफेक्शन नहीं होगी. मे बी एक छोटे बच्चे की बनाई ड्रॉइंग में हमें लगे शायद स्क्रिबल करा है. नो, मे नॉट बी परफेक्शन, बट द डेप्थ वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, बिकॉज दे आर जस्ट फ्रेश, दे आर फ्रेश ब्रेन. एंड समटाइम्स इट इज इन नॉन वर्बल वेज, मतलब कुछ बाय डूइंग एक्शंस कुछ कुछ करते रहते हैं और वो क्रिएट कर देते हैं. व्हेन लैंग्वेज एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शंस आर फुली डेवलप्ड, अब वो बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, अब वो फुली डेवलप हो गई, अब वो एक्सप्रेशन भी जानते हैं, and store of knowledge is adequately available, पढ़ भी लिया, knowledge भी ले ली, creativity is expressed through verbal modes too. अब वो बोल पाते हैं. फॉरेन में कभी जाएं या हमारे इंडिया में भी बहुत बार बिल्डिंग्स देखते हैं हम, बड़ी सरप्राइजिंग बिल्डिंग्स बनाई होती हैं, अजीब अजीब शेप की,
I saw on net football के shape की एक building थी. ये creativity का ही तो नतीजा है. किसी architect ने सोचा कि यार ऐसी building भी तो बन सकती. Guitar shape की buildings है. So it's now they know how to express, right? Moving further, those who are outstanding in their creativity may give an indication about the direction in which their creativity lies through their self-chosen activities. They might be, जिसने वो architect ने बनाई होगी उसकी self-chosen activity must be related to those areas only. In some cases, यहाँ तक बस आपने learn करना था, आगे हम underline नहीं कर रहे. In some cases, however, opportunities need to be provided before they can manifest their hidden potential for creativity. How do we explain variations in the potential for creativity? इस question को ही underline कर लो, ऐसे ही आएगा. How do we explain variations in the potential for creativity? कैसे variations को हम जानेंगे, knowledge देंगे? As in the case of other mental and physical characteristics, such variations can be attributed to the complex interaction of underlying heredity and environment. अब हम कैसे जानेंगे? क्योंकि ये तो देखिए वो किसका combination है? हम हमारा जो है brought up, हमारी intelligence, nature and nurture. So that is written here. There is no disagreement that creativity is determined by both heredity and environment. Okay. Limits of the creative potential are set by limits. किसने set की? हमने पढ़ लिया था, heredity ने set की. हम कितना achieve कर सकते हैं? ये मेरे genes से मुझे मिल गया. Limits are set by heredity. Environmental factors क्या करते हैं? उसे stimulate करते हैं कहाँ तक जाने के लिए? जो limit मिली है. Stimulate the development of creativity. How much of the creative potential can be realized when and in what specific form and direction is largely determined by environment. मतलब मुझे कितनी determination, मतलब मुझे genes ने इतनी potential दिया, but am I motivated to reach there? Am I given the sufficient atmosphere to reach there? Am I given the sufficient support or the counseling to reach there? That is through environment. तो क्या-क्या चाहिए था? Environmental factors, motivation, commitment, family support. अब एक बंदा बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, उसे लगता है मैं बिजनेस सेंस बड़ी अच्छी है, बट उसके फादर जॉब में और कहते हैं नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो. विल यू बी एबल टू रीच टू द पोटेंशियल? ऑफ कोर्स नॉट. मोटिवेशन फ्रॉम फैमिली इज आल्सो नीडेड. पीयर इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स अगर उसे घटिया बीच में ऐसे मिल गए कि वो उसको खींच खींच के किसी और लाइन में ले जा रहे हैं तो भी नहीं पहुंच पाएगा. ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा. Although no amount of training can transform an average person to the level of Tagore, of course, अगर उसके genes का, उसने genes से इतनी capacity मिली है, तो हमने उसको ऐसे बड़े-बड़े schools में डाल दिया, training सुबह शाम बड़े लोग पढ़ा रहे, पर वो क्या Tagore बन जाएंगे? Of course not, है ना? So it means आप genes वही nature and nurture both will determine how successful you are and how good you are in your work. You cannot be Tagore, Shakespeare, but it is also true that every individual can raise their level of creative potential beyond its present level. अगर मेरी creativity मुझे जितनी नहीं मिली है, मैं इससे beyond जा सकती हूँ if I am given the training. Say मुझे drawing नहीं आती, तो इतनी भी कोई बड़ी story नहीं है. If I go and attend the classes, I think I will be a good person in drawing. I may not have the bent to do that initially, but it can be done through training, all right? And you've already read this about in class 11. We've reached to creativity and intelligence, all right? This is the last topic of this chapter. Let's finish it. One important debate in understanding the variations in creativity has been the relationship of creativity with intelligence. Let us take an example of two students. Sunita is regarded by her teachers as an excellent student. She does her work on time, scores highest grades, listens to instructions, grasps quickly. वो पढ़ाकू बच्चे जो होते हैं क्लास में उनकी बात कर रहा है. Reproduces accurately, but she rarely comes out with ideas which are her own. बहुत होते हैं क्लास में पढ़ाकू. जो मैम ने बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी याद भी कर लिया, लेकिन अपना कोई उसका क्रिएटिव सवाल नहीं होता. अपनी ये तो चलाते ही ना, सिर्फ डाउनलोडिंग लेते हैं. सो उसके हो सकता है अपने. रीटा इज अनदर स्टूडेंट हु इज जस्ट एवरेज इन हर स्टडीज एंड हैज नॉट अचीव्ड हाई ग्रेड्स कंसिस्टेंटली.
She prefers to learn on her own. She improvises new ways of helping her mother at home and comes up with new ways of doing her work. New ways of helping mother and comes up with new ways of doing her work and assignments. Uska apna tarika hai. The former is considered to be more intelligent than the latter as more creative. पहली वाली इंटेलिजेंट हो सकती है जिसको ग्रेस्प क्विकली है, लर्न है, रिटेंशन है, बट दूसरे वाले को क्या कहेंगे हम? शी इज मोर क्रिएटिव. दस अ पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू लर्न फास्टर एंड रिप्रोड्यूस एक्यूरेटली. उसने लर्न किया और पेपर दे दिया, नंबर आ गए, उसे क्या बोलेंगे हम? इंटेलिजेंट. क्या हमें क्रिएटिव कह सकते हैं? नो, मोर देन क्रिएटिव अनलेस ही और शी डिवाइसेस न्यू वेज ऑफ लर्निंग एंड डूइंग. Clear? आगे आगे. Terman in the 1920s, underline the name, he found that person with high IQ, intelligent जो है, were not necessarily creative. एक बात और, जितने लोग successful हैं, जैसे बड़ी-बड़ी companies हैं, multinational organizations हैं, उनके जितने heads हैं, हम अगर उन्हें कभी भी सुने, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम academically हमेशा extraordinary थे, कभी नहीं. They will always say we were average in our school. So, they were average in their school. Aren't they not intelligent? Aren't they not intelligent? They are creative. तभी तो कुछ नया create करने का मन में था और creation ने उन्हें successful businessman बना दिया. क्योंकि business is all about creating something new and selling. Alright? So, at the same time, creative ideas could come from persons who did not have a very high IQ. वो they can be creative in that. इसको पूरा underline कर दिया यहाँ तक. Other researches have shown that, ये भी हम include करेंगे, not even one of those identified as gifted, you remember हमने पीछे gifted पढ़े थे, high IQ वाले, followed up throughout their adult life, had become well known for creativity in some field. क्या मतलब? It is shown that not even one of those identified as gifted, not even one of those, followed up throughout their adult life. अगर हम उन्हें पूरा study कर ले, so we really find that they can be. अच्छा एक चीज हो सकती है, जो gifted होते हैं वो थोड़ा सा, क्या हमने पढ़ा था, उनकी overall बहुत चीजों में they are good at, but वो भी they are good at learning, grasping, तो वो सब उसमें cover हो गया. Researchers have also found that both high and low level of creativity can be found in highly intelligent children and also children of adults. थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी उनमें होती है, गिफ्टेड में, है ना, इंटेलिजेंट में, जो हाई इंटेलिजेंट है, क्योंकि हाईली की बात करें, नॉर्मल इंटेलिजेंट की नहीं, हाई इंटेलिजेंट मैंने बोला ना, दे हैव सेट ऑफ एबिलिटीज, दे आर नॉट ओनली लर्नर्स, गुड लर्नर्स, दे आर नॉट ओनली गुड ग्रामर्स और अंडरस्टैंडिंग बेटर, बट दे हैव सम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, इफ नॉट वेरी हाई, बट दे हैव सम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी. जरूरी नहीं है कि हाई नहीं हो सकती, हाई भी हो सकती है. Underline की जो अब यहां से, the same person thus can be creative as well as intelligent, but it is not necessary that intelligent ones in the conventional sense must be creative. Intelligent must be creative, ठीक, ये जरूरी नहीं. Intelligence therefore by itself क्या नहीं ensure करता? Creativity ensure. अगर कोई बंदा intelligent आप बोलेगे creativity भी है इसमें, जरूरी नहीं. Alright, moving further towards the last page. These are the features of a creative person. आप इसके ऊपर heading बना लो, features of a creative person. This we will cover in the next video. Alright, thank you.